संगीत सरिता आज के संगीत सरिता कार्यक्रम में आप सुनेंगे सुप्रसिद्ध गायक पंडित ओंकार नाथ ठाकुर पर केंद्रित श्रृंखला की 14वीं कड़ी। इस कड़ी में प्रसिद्ध गिटार वादक पंडित ब्रजभूषण काबरा से बातचीत कर रही हैं श्रीमती साधना भट्ट। इसकी रिकॉर्डिंग हमें आकाशवाणी अहमदाबाद केंद्र के सौजन्य से प्राप्त हुई। नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे स्टूडियोज में ब्रजभूषण काबरा जी उपस्थित हैं। श्रोताओं, आप सभी काबरा जी के नाम से सुपरिचित हैं, हमारे देश के प्रसिद्ध गिटार वादक हैं और शास्त्रीय संगीत के गणमान्य व्यक्ति हैं। काबरा जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सांदन जी। काबरा जी, हम इस कार्यक्रम के दौरान पंडित ओंकार नाथ जी के बारे में कुछ आपसे बातचीत करेंगे जी, क्योंकि आप बचपन से उनके साथ जुड़े रहे हैं, आपने उनको जाना है, सुना है, तो उनकी आपकी जो बचपन की कोमल यादें हैं उनके बारे में, उसके बारे में कुछ बताइए। मैं कुछ भी कहने के पहले आज एक ऐसी हस्ती के बारे में चर्चा करने का जो आपने मुझे अवसर दिया है, उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। पंडित ओंकार नाथ जी संगीत जगत के ऐसे व्यक्ति हैं जिनका सभी जगह पर इस बात के लिए सबसे अधिक आदर से नाम लिया जाता है कि इन्होंने संगीत को जो सम्मान प्राप्त करवाया जी, जो आदर की दृष्टि से लोग संगीतकारों को देखने लगे जी, उसमें मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा योगदान पंडित ओंकार नाथ का है। मैं बहुत छोटा था जब मेरे पिताजी एक बार बॉम्बे से आए थे तो कुछ रिकॉर्ड साथ में लाए थे, और ऐसे हम लोग स्कूल जाते थे तो उस वक्त आज़ादी का दौर था, तो वंदे मातरम, जनगणमन और नेताजी के जो ये फौजी गाने थे वो सब गाया ही करते थे जी। तो जब पहली बार मैंने उनकी ये रिकॉर्ड सुनी वंदे मातरम, तो मुझे ऐसा आभास हुआ कि जैसे कि वाकई कोई अपनी माता को इतना आदर दे रहा है, और ऐसी पुकार उस आवाज़ में मुझे लगी और ऐसी कशिश थी। तो मैंने अपने पिताजी से पूछा कि ये कौन हैं गाने वाले, तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत महान संगीतकार हैं और ऐसे जो हैं कि लाहौर के अंदर मेरी इनसे मुलाकात हुई थी, तो विष्णु दिगंबर जी के पास जब ओंकार नाथ जी थे तब मेरे पिताजी भी वहाँ जाते थे जी। तो उस नाते वो हमेशा एक दूसरे को गुरु भाई की तरह ही मानते थे, और पिताजी ने बताया, उनके व्यक्तित्व के बारे में बताया कि उनमें देश प्रेम भी कूट कूट के भरा है जी। और अपने संगीत को वो सम्मान दिलाना, उसको उसके योग्य स्थान मिलना जी। क्योंकि वो जो समय था कि या तो संगीतकारों को थोड़ा सा मान मिलता था जो राज्याश्रय में थे, इसके अलावा संगीत को एक ओछा पेशा गिना जाता था जी। हम लोगों के घरों के अंदर तो संगीत का जो है वो प्रवेश एक तरह से निषिद्ध था, हालांकि हम तो वैष्णव होने से कीर्तन और जो ये हमारे हवेली संप्रदाय का भजन वगैरह गाने का पूजा के साथ होता है, इस कारण से था जी। बाकी दूसरे घरों के अंदर
संगीत को बड़ा हीन माना जाता था कि ये हम लोगों के करने की चीज नहीं है। तो उस एक समय में उन्होंने जो उसको ऐसी जगह पर ले जाके जो बैठाया, प्रतिष्ठा दिलवाई, उसको प्रतिष्ठा दिलवाई और खुद भी अपने जीवन काल में इतने सम्मानित हुए, ये एक अपने आप में एक बड़ी हिस्टोरिक घटना है जी। उसके बाद जो दूसरा अवसर मेरे को या उनसे मिलने का जो मेरा पहला अवसर हुआ कि 1944 में जब मेरे पिताजी की इच्छा से और वहाँ के उस वक्त जो हिजाइनस थे हनुमंत सिंह जी और अली अकबर खान साहब को वहाँ के दरबारी संगीतकार के रूप में उन्होंने जो बुलाया था, और तब हिजाइनस की एक इच्छा हुई कि एक ऐसी कॉन्फ्रेंस की जाए जिसमें हिंदुस्तान के सभी अच्छे गाने बजाने वाले आवें जी। तो पिताजी ने ये कहा कि भाई ये बड़ी कठिन चीज़ है, इतने लोग एक कॉन्फ्रेंस में कैसे गाएंगे बजाएंगे। तो हिजाइनस ने कहा कई गा लेंगे, कई बिना गाए चले जाएंगे, लेकिन बुला सबको लो। तब उस वक्त जो है ओंकार नाथ जी आए और पहली बार हमारे घर पर जब आए तो बड़े प्यार से, हम छोटे से थे तो उनके गोदी में भी बैठे, क्या बात है। और उसके बाद जब उनका गाना शुरू हुआ तो उन्होंने मारवा राग शुरू किया। अब हिजाइनस तो मैं बचपना था तो उन्होंने एक अधिकार अपने हाथ में ले रखा था कि कोई प्रोग्राम जब अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि इतने गाने बजाने वाले आए थे तो स्टेज पे एक लाल बत्ती लगी हुई थी, वो दबा देते थे। वो लाल बत्ती होने का मतलब था कि भाई आपका कार्यक्रम समाप्त हो गया, अब दूसरा कार्यक्रम होगा। तो ओंकार नाथ जी ने 4-5 मिनट मारवा गाया और उनको लाल बत्ती दिखा दी और वो एकदम इतने क्रुद्ध होकर और उठ के चले गए और सीधे मेरे पिताजी के पास आए कि भैया मैं यहाँ अब सांस भी नहीं ले सकता, मेरा ऐसा अपमान जीवन में कभी नहीं हुआ। तो पिताजी ने देखा इस वक्त तो ये बहुत ही क्रोधित अवस्था में है, कुछ भी कहूँगा तो उल्टे ही पड़ेंगे। तो उन्होंने उनको बहुत प्रेम से समझाया, और कहने लगे कि आप इतने बड़े हो गए हैं और एक बालक को अभी तक नहीं पहचान सकते हैं, ये तो इनको शौक है, बालक समान है ये। और ये इतने प्रेम से इन्होंने सबको बुलाया है और आप ये सोचिए कि इनको तो संगीत का अभी अभी शौक लगा है। अब ये ऐसी रागें या इस तरह की जो चीज या इतना जो है वो भारी भरकम विस्तार बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो आपको ये तो सोचना चाहिए था। तो पंडित जी को पता नहीं, वैसे वो बहुत ही गुस्सा आता था तब आपे से बाहर हो जाते थे, पर पता नहीं उनको वो बात मन में लग गई और वो फौरन स्टेज पर वापस गए और स्टेज पे जाकर बैठकर और हिजाइनस भी देखने लगे और उनका कि देखिए मैं पहले आप लोगों को कुछ प्यार की बातें कहना चाहता हूँ। तो उन्होंने मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो ये भजन जो शुरू किया, ये समझा के कि मैया का क्या भाव है, कन्हैया कैसे उनके सामने जो दीन अवस्था के अंदर खड़े हैं अपनी दलीलें कर रहे हैं, मैया नहीं मान रही है, वो कही रही हैं कि तुम झूठे हो। उन्होंने 1 घंटे तक वो भजन गाया और कोई श्रोता ऐसा नहीं था जो रो नहीं रहा था। ये पहला अवसर था जबकि स्वर की शक्ति का जी। और जिसके अंदर ऐसे कोमल भाव और भाषा भी हो, उसका मेरा पहली बार साक्षात्कार हुआ। तो श्रोताओं, हम क्यों ना वही भजन पंडित ओमकार नाथ जी की आवाज में ही सुने। I'm
आज के संगीत सरिता कार्यक्रम में आप सुन रहे थे सुप्रसिद्ध गायक पंडित ओंकार नाथ ठाकुर पर केंद्रित श्रृंखला की 14वीं कड़ी। इस कड़ी में प्रसिद्ध गिटार वादक पंडित ब्रजभूषण काबरा से बातचीत कर रही थीं श्रीमती साधना भट्ट। अब यह कार्यक्रम समाप्त हुआ। Da ba da ni da da, da ba da ni da.